हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं एक प्रोग्रामिंग के अंदर, कि किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को अगर हम लोग एज अ डाटा यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो हमारी स्ट्रिंग कहला रही होती है। और इस सीक्वेंस के बाहर या तो हम लोग सिंगल क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं या डबल क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं, या कुछ लैंग्वेज के अंदर ट्रिपल क्वेश्चन मार्क्स भी अलाउ होते हैं। तो एक एग्जांपल ये है कि मैंने एली के ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं, तो ये भी मेरी एक स्ट्रिंग कहलाएगी। इसी तरह मैं एली के ऊपर अगर डबल क्वेश्चन मार्क लगाऊँ तो मैं इसका डाटा यूज़ करूँ तो ये भी मेरी स्ट्रिंग कहलाएगी, या ट्रिपल क्वेश्चन भी यूज़ करूँ तो भी मेरी स्ट्रिंग कहलाएगी। बट ये अगर हम लोग डाटा के तौर के ऊपर यूज़ करेंगे तो फिर ये स्ट्रिंग कहलाएगी। और इसके टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे एक डिटेल में पूरा एक सेगमेंट रखेंगे जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनको एज अ डाटा कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक है क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रिंग्स को कोड के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल कोड के अंदर वो आ रही हैं, तो हमारी फिर स्ट्रिंग्स क्या बन जाती हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स बन जाती हैं। जैसे प्रिंट अली, तो यहाँ पे अली मेरी क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है। अगर ये एज अ डाटा किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई होती जो कि आगे चल के हम लोग करेंगे तो फिर ये स्ट्रिंग कहलाती, बट अभी क्योंकि ये सीधी सीधी कोड के अंदर पड़ी है तो ये एक स्ट्रिंग कहलाएगी। अब इस कंसेप्ट को कोड करने के लिए मैंने यहाँ पे फोर स्ट्रिंग्स लिटरल डॉट पी वाई की फाइल उसी फोल्डर के अंदर बना ली है। इस फोल्डर का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले एक कॉमेंट डालता हूँ कि स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन, ठीक है। अब पाइथन के अंदर स्ट्रिंग लिटरल्स जो हैं वो तीन टाइप्स की हैं। तो पहली टाइप जो है उसकी वो है सिंगल क्वोटेशन मार्क के अंदर स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, और ये कैसे होती है कि हम लोग जैसे प्रिंट लिखते हैं हेलो, ठीक है, तो ये मेरी क्या है, एक सिंगल कोड की स्ट्रिंग लिटरल है जो कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल की है। और यहीं पे मैं आप लोगों को डबल क्वेश्चन मार्क की स्ट्रिंग लिटरल भी बता देता हूँ। मैं इस कमेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल, ठीक है। डबल कोड स्ट्रिंग लिटरल हमारी कौन सी होगी, प्रिंट वर्ड, ठीक है। और मैं इनको जो है वो यहाँ से आगे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ सके, ठीक है। इसी के साथ साथ मेरी एक ट्रिपल कोड की स्ट्रिंग लिटरल भी होती है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीन बार सिंगल क्वेश्चन मार्क लगा के, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एक ट्रिपल कोड स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगी। अब इस चीज़ को अगर मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊं तो आउटपुट तमाम स्ट्रिंग्स की जो है यहाँ पे सेम ही आ रही है। अगर हम लोग सिंगल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिख रहे हैं तो भी हेलो ही उसी तरह डिस्प्ले हो रहा है, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर भी लिख रहे हैं तो भी वैसे ही शो हो रहा है, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिख रहे हैं तो भी वैसे ही हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर एक तरीके से सेम रिजल्ट आ रहा है तो हमारे पास तीन टाइप की जो है वो स्ट्रिंग लिटरल्स क्यों हैं। तो इसका आंसर ये है कि कई बार हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस आ जाता है दिस इज एलीज बैग। अब देखें यहाँ पे एक सिंगल कोट यूज़ हो रहा है। इस जैसे सेंटेंसेस को या तो हम लोग डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखेंगे या ट्रिपल क्वोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको अगर डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिख दूँ इस तरह, ठीक है, और इस चीज़ को मैं यहाँ से प्रिंट कराऊँ तो ये ठीक तरीके से काम कर रही होगी। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जैसे यहाँ से रन करता हूँ तो आप लोग देख रहे हो दिस इज़ अलीज़ बैग, और यहाँ पे जो है वो मेरी स्ट्रिंग शो भी हो रही है। इसी तरह अगर मेरा यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क अंदर आएगा तो फिर मैं बाहर क्या लगा दूँगा, सिंगल क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी अली सैड दिस इज माई बुक, ठीक है। तो अब देखें ये चीज़ जो एक्सक्लूड हो रही थी तो फिर यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को इंक्लूड कराने के लिए बाहर सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो अब ये चीज़ एज एन आउटपुट हमें डिस्प्ले होगी। मैं इसका भी आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। देखें अली सैड दिस इज़ माई बुक, तो अब देखें बाहर डबल क्वेश्चन मार्क्स आप लोगों को शो हो रही हैं। लेकिन अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है कि अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो हमारे पास ट्रिपल क्वेश्चन मार्क की स्ट्रिंग लिटरल्स क्यों हैं। तो उसमें यह है कि कई बार हमारे पास ऐसा सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है जी प्रिंट, और यहाँ पे आ जाता है अली सैड, ठीक है, और यहीं पे मैं आगे जो है वो अली ने क्या कहा है, दिस इज़ आमिर्स बुक, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन मार्क भी है, डबल क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसको फिर इनक्लोज करने के लिए हम लोग बाहर ट्रिपल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
इससे क्या होगा कि ये सारा जो अंदर का डेटा है वो हमारा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा इनक्लोज्ड बाय ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे आ रहे अली सेड दिस इज़ आमिर्स बुक। इसी के साथ साथ पाइथन के अंदर ये जो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क की स्ट्रिंग है इसका एक और वे भी है यूज़ करने का, उसमें यह है कि अगर आप लोगों के पास कोई मल्टी लाइन चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे एक पोएम लिख देता हूँ ट्विंकल ट्विंकल और लिटल स्टार, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं फॉर एग्जांपल इस चीज़ को प्रिंट कराना चाह रहा था और मैं इसको अगर लिखता हूँ सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने तो इस तरह प्रिंट करवाना है इसको, बट मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, एरर आ जाता है कि भाई आप लोगों की यहाँ पे प्रिंट जो है वो स्टेटमेंट कंप्लीट ही नहीं हो रही। तो फिर इस जगह पे हम लोग डबल क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन मार्क की बजाय ट्रिपल क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। अब जैसे मैंने इसको ट्रिपल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिख के अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार जो है वो आउटपुट के अंदर शो हो रहा है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो एग्जैक्टली काम कर रही है। तो इसके अंदर एक और चीज़ भी ये है कि अगर आप लोग जितने भी ब्लैंक स्पेसेस डाल दें, ठीक है, अब जैसे मैंने इतनी सारी ब्लैंक स्पेसेस डाली हैं तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखें वो सारी ब्लैंक स्पेसेस जो हैं वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो रही हैं। अगर हम लोग इसी तरह स्पेसेस डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखते हैं तो वो भी हमारी क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे उसी तरह ही आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे हेलो और वर्ड के दरमियान बहुत सारी स्पेसेस डाल रहा हूँ। तो पाइथन के अंदर ये है कि ये स्पेसेस उस तरह ही इंक्लूड हो रही होती हैं, बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर वो इन स्पेसेस को जो है वो एक्सक्लूड कर देता है जितनी भी वाइट स्पेसेस होती हैं। तो इस वजह से हमारे जो है प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रिपल क्वेश्चन मार्क की जो है स्ट्रिंग लिटरल्स का कंसेप्ट आया था। तो ये था हमारा सारा जो कंसेप्ट अबाउट स्ट्रिंग लिटरल्स, इनको यूज़ करते हुए आप लोग बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हो, जैसे मैंने पोएम यहाँ पे लिखी है। इसी तरह आप लोग एक फॉर्म बना सकते हो जिसके अंदर आप लोग जो है वो अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हो, और उसकी मैं एक छोटा सा डेमो आप लोगों को दे भी देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस सारे कोड को जो ऊपर वाला कोड है इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट आउट, ठीक है, और कॉमेंट आउट करने का बाय द वे यहाँ पे वीएस कोड के अंदर शॉर्टकट ये है कि आप लोग कंट्रोल का बटन दबाओगे और उसके साथ दबाओगे ये बैक स्लैश, ठीक है। तो आप जितना भी कोड सेलेक्ट करके कंट्रोल बैक स्लैश करोगे तो वो सारा जो है आपका कोड कॉमेंट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सारा कोड मेरा कॉमेंट आउट हो चुका है, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे देखें इस तरह का एक फॉर्म हम बनाएंगे जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, ठीक है, प्रोग्रामिंग कॉलेज, ठीक है, और कोर्स जो है हमारा वो चल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, करंट टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म आप लोग बना सकते हो पाइथन के अंदर, आगे आप लोग अपना डेटा डाल सकते हो कोई भी डेटा। तो अगर आप लोगों के पास आ जाता है तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे उसी तरह शो हुए नेम प्रोग्रामिंग कॉलेज कोर्स ये था, ठीक है, और करंट टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी तरीके से आउटपुट जो है हमारे पास शो हो जाएगी। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल रहे होंगे तो उनको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।